अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं और PSL जो है वो दोबारा स्टार्ट होने वाला है। आपको पता है कि जब PSL पोस्टपोन्ड हुआ तो फिर किस तरह की फीलिंग्स थी। फीलिंग्स मतलब बोरिंग हो रहा था, क्योंकि उस वक्त ना तो फिर पाकिस्तान का कोई इंटरनेशनल टूर था, ना ही वर्ल्ड लेवल पर कोई क्रिकेट हो रही थी, और फिर PSL का पोस्टपोन्ड होना हर फैंस के लिए बहुत दुख की बात थी। बहुत हर फैंस के लिए बोरिंग फील हो रहा था कि हम अब क्या करें, हम फ्री बैठे हैं। इवन के जब मैचेस का टाइम होता था शाम टाइम को, कुछ लोग ये भी पूछते कि आज किस टीम का मैच है, जिनको नहीं पता था कि PSL पोस्टपोन्ड हो गया। तो अब जो है वो PSL जो है दोबारा स्टार्ट हो रहा है, 1 जून से दोबारा स्टार्ट हो रहा है, और जो फाइनल जो है वो 20 जून को होगा, और ये रिमेनिंग जितने भी मैचेस हैं वो सारे जो है वो नेशनल स्टेडियम कराची में खेले जाएंगे। तो कुछ प्लेयर्स जो थे नहीं आ रहे, और कुछ प्लेयर्स उनकी वजह ये है कि उनके जो रिस्पेक्टिव कंट्रीज हैं उनकी गवर्नमेंट्स ने जो है वो रिप्लेस बॉर्डर्स बंद किए हुए हैं, और जो फ्लाइट्स बंद की हुई हैं, जिसकी वजह से कुछ प्लेयर्स आ नहीं सकते, और कुछ प्लेयर्स की जो है वो इंटरनेशनल सीरीज है जिसकी वजह से वो नहीं आ रहे। तो इसके चलते जो है वो काफ़ी सारे प्लेयर्स का हर टीम्स के 3-3, 4-4 प्लेयर्स जो थे वो नहीं आ रहे थे। तो PCB ने सोचा कि फ्रेंचाइज को जो है वो रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट की ऑफर की, कि एक मिनी ड्राफ्ट जो है वो अरेंज किया, जिसमें फ्रेंचाइज को कहा गया कि आप अपने रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में से जो है वो प्लेयर्स पिक कर ली। इसके लिए जो है वो कुछ नए प्लेयर्स ने भी जो है वो अपने आप को PSL में साइन करवाया था, जिसमें बड़े बड़े नाम थे, जिसमें आंद्रे रसल हो गए, मार्टिन गप्टिल हो गए, इस तरह के जो है वो बड़े नाम PSL में पहली बार आपको खेलते हुए नजर आएंगे। तो इसके चलते जो है वो रात PSL का जो वो रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट हुआ, जिसमें स्काउट कंप्लीट हो गए हैं अब हर टीम के, और बड़ी पिक जो थी वो मेरी नज़र में क्वेटा ग्लेडिएटर ने मैदान मारा है। एक ही दो उनको रिक्वायरमेंट चाहिए थी, उन्होंने एक ही पिक किया है और वो आंद्रे रसल को पिक किया है, वन ऑफ द बेस्ट पिक इन रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट मेरी नज़र में। और उसमें पहली बारी जो थी वो लाहौर के अंदर की थी, और लाहौर के अंदर के जो है वो डेविड विसे नहीं आ रहे, तो ऐसे लग रहा था कि जो डेविड विसे की जगह जो है वो लाहौर के अंदर आंद्रे रसल को पिक करेगा, लेकिन उन्होंने जो है वो शाकिब रसल को पिक किया है, जो कि बांग्लादेशी स्टार ऑलराउंडर है। तो अब जो है वो IPL में कोलकाता नाइट राइडर्स में भी खेल रहे हैं। तो इसके चलते आपको पूरी डिटेल बता देता हूँ जो टीम्स के स्काउट की हैं। सबसे पहले आपकी दिनों के कलंदर लाहौर के अंदर का स्काउट बताऊँगा आपको। शाकिबुल हसन जो कि रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में पिक हुए हैं, शहीन शाह अफरीदी हैं, मोहम्मद हफीज़ हैं, फ़खर जमान हैं, जेम्स फॉल्कनर आपको बताता चलूँ, एक न्यूजीलैंड के फॉल्कनर थे, लोग कुछ वो समझ रहे हैं, लेकिन ये जो जेम्स फॉल्कनर हैं ये ऑस्ट्रेलियन हैं, मीडियम पेसर, और ये वो हैं जो 2015 के वर्ल्ड कप के फाइनल के मैन ऑफ द मैच थे। और हारिस रऊफ हैं, जॉय बर्न्स जो कि ब्रिस्बेन हीट में खेलते हैं और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से टेस्ट क्रिकेट भी खेल चुके हैं, और बेन डंक हमारे डंक आ रहे हैं, और दिलबर हुसैन, कारम फर्गसन जो कि सिडनी थंडर के जो कैप्टन हैं, और ये दिशान अशरफ हैं, सलमान अली आगा हैं, फैजान हैं, सुहेल अख्तर जो कि कैप्टन हैं, और माज खान ये अमर्जिंग हैं, जहद आलम ये भी अमर्जिंग प्लेयर्स हैं, और सैगो परसना जो कि श्रीलंकन है, पहले भी लाहौर के अंदर में खेल चुके हैं, और ये जो है वो अहमद दानियाल ये भी ये सप्लीमेंट्री कैटेगरीज के थे, और ये जो है वो अमर्जिंग प्लेयर है। इसके चलते आपको मुल्तान सुल्तान का स्काउट बताता हूँ। मुल्तान सुल्तान में से जो उनको बड़ा लॉस हुआ क्रिसलिन, वो नहीं आ रहे, तो उनकी जगह जो है वो उन्होंने बांग्लादेश के स्टार ऑलराउंडर मोहम्मदुल्ला को पिक किया। आपको स्काउट बताता चलूँ, मोहम्मदुल्ला, शाहिद अफरीदी, राली रुसो, सुहेल तनवीर हैं, इमरान ताहिर हैं, खुर्दी शाह हैं, रहमतुल्ला गुलबाज हैं, और शान मसूद हैं, उस्मान कादिर हैं, सुहेल खान, मोहम्मद रिजवान जो कि कैप्टन हैं, और आजकल उनकी जो फॉर्म लगी हुई है वो PSL में भी वो बहुत अच्छी फॉर्म में थी, और अब नेशनल लेवल पे भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो शुएब मकसूद हैं और शाहनवाज धानी हैं, ये अमर्जिंग प्लेयर्स हैं, और जिस तरह से परफॉर्म किया लीडिंग विकेट टेकर थे, और उसके बाद लीडिंग विकेट टेकर मुल्तान सुल्तान की तरफ से 9 विकेट थी, और ये शुएबुल्ला हैं, जॉर्ज लिंडे जो कि साउथ अफ्रीका लेफ्ट हार्म स्पिनर हैं, वो आपको पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में भी खेलते हुए नजर आए, मोहम्मद उमर हैं ये अमर्जिंग प्लेयर हैं, इमरान खान और ये सप्लीमेंट्री कैटेगरीज में थे, और ओबे मैकॉय ये भी एक नई जो है वो पिक थी। इन रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में जो है वो मुल्तान सुल्तान ने मोहम्मदुल्ला को और जॉर्ज लिंडे को ये कुछ प्लेयर्स जो है वो पिक किए हैं, जो कि ओबे मैकॉय जो कि उनके प्लेयर्स नहीं आ रहे थे उनकी जगह जो है ये रिप्लेसमेंट के तौर पर जो है वो पिक किए गए हैं। पेशावर ज़लमी का स्काउट पिक बताता हूँ आपको। पेशावर ज़लमी ने 3 जो हमें न्यू पिक किए हैं, जो कि ऑल फ्रॉम द वेस्ट इंडीज़, और इसमें डेविड मिलर जो कि पिछले बार जो कि
अपने डोमेस्टिक सीजन की वजह से वो पीएसएल खेले नहीं आएंगे, तो इस बार जो है अपना डेब्यू करेंगे। डेविड मिलर हैं, वहाब रियाज हैं जो कि कैप्टन होंगे, पेशावर जर्मी के शुएब मलिक हैं, फैबियन एलन ये रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में पिक किए हैं, शेन फन रदरफोर्ड और अहमद बट हैदर अली हैं, रमन पावल ये भी रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में जो है वो पिक किए गए हैं, उमैद आसिफ हैं, फेडरल एडवर्ड्स ये भी 39 साल फास्ट बॉलर हैं जो कि ये भी वेस्टर्न इंडीज हैं और ये भी रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में जो है वो पिक किए गए। इमरान धावा ये मेरे नज़दीकी हैं, कुछ ही फासले पे रहते हैं, जहानिया के हैं ये स्टार ऑलराउंडर अच्छे हैं। तो उसके बाद मोहम्मद इरफान हैं, वो लंबे कद के जो पाकिस्तानी फास्ट बॉलर, और कामरान अकमल हैं, इब्रार अहमद हैं ये इमर्जिंग कैटेगरीज के प्लेयर हैं, मोहम्मद इमरान ये भी इमर्जिंग कैटेगरीज के प्लेयर हैं, इमामुल हक और आमिर खान जो कि अंडर 19 में हैदर अली के साथ जो है वो वर्ल्ड कप खेल चुके हैं और पेशावर जर्मी के साथ पहले भी खेल चुके हैं। ये था पेशावर जर्मी का स्कॉर। इसके साथ मैं आपको नेक्स्ट कराची किंग का स्कॉर बताता हूँ। कराची किंग ने एक बहुत बड़ी पिक की है, वो ये भी जो है वो रिप्लेस पीएसएल में जो है वो न्यू एंट्री है, मार्टिन गप्टिल, बहुत बड़ा नाम क्रिकेट में न्यूजीलैंड की तरफ से और वर्ल्ड क्रिकेट में एक बहुत बड़ा नाम। जिस कराची किंग का स्कॉर मैं आपको बताता हूँ, बाबर आजम, मोहम्मद आमिर हैं, मार्टिन गप्टिल, तसरा परेरा, नजीबुल्लाह ज़दरान। कराची ने पिकिंग बहुत स्टाइल से की है, बहुत अच्छे से की है, सेंसिबल पिकिंग की है। देखिए मार्टिन गप्टिल को पिक किया है, तसरा परेरा, उनके डैन क्रिस्टन नहीं आ रहे तो उन्होंने तसरा परेरा जो कि फास्ट बॉलर ऑलराउंडर थे उनको पिक कर लिया है, नजीबुल्लाह ज़दरान को पिक किया, मोहम्मद नबी नहीं आ रहे और बड़ी अच्छी रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में भी जो है वो पिकिंग की है। और इसके बाद इमाद वसीम जो कि कैप्टन हैं, चार्ली वर्ल्टन हैं, शर्जील खान, आमिर जामीन, रिटन दास को भी रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में जो है वो पिक की है, वकास मकसूद हैं, दानिश अजीज हैं, मोहम्मद अलियास हैं, निशान मलिक हैं, उसके बाद अरशद इकबाल जो कि आपको पीएसएल के पहले ही मैच में मैन ऑफ द मैच थे, वो पाकिस्तान की तरफ से जिम्बाब्वे के खिलाफ जो अभी रिसेंटली उन्होंने T20 डेब्यू भी किया है और ये इमर्जिंग कैटेगरी में पिक किए थे, ये पहले ही हैं, पहले की हैं। और कासिम अकरम ये भी इमर्जिंग कैटेगरी के हैं, नूर अहमद ये सप्लीमेंट्री में जो है वो पिक किए गए हैं, और अब्बास अफरीदी ये सप्लीमेंट्री में भी पिक किए गए हैं और ये इमर्जिंग प्लेयर्स भी हैं। अब्बास अफरीदी ये जो है वो उमर गुल के जो है वो भतीजे हैं। ये था कराची किंग का स्काउट। कराची किंग ने अच्छी रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में जो है वो पिकिंग की है और अच्छा स्काउट बनाने की कोशिश की है। और इस्लामाबाद यूनाइटेड का आपको बता देता हूँ, इस्लामाबाद यूनाइटेड के जितने भी जो कि इंग्लैंड प्लेयर थे, इंग्लिश प्लेयर, वो कोई भी नहीं आ रहा, तो इसके चलते उन्होंने कुछ साउथ अफ्रीकन्स भी लिए हैं। इन्होंने ये भी जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड वालों ने भी अच्छी पिकिंग की है। हसन अली ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हसन अली जो है वो रिमेनिंग मैचेस में पीएसएल में जो है इस्लामाबाद की यूनाइटेड की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि शताब खान की जो है इंजरी चल रही है, तो हो सकता है कि वो हसन अली के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि वो कैप्टन बने अगर शताब खान इंजर्ड रहे तो। स्कॉर मैं आपको बता देता हूँ, हसन अली हैं, शताब खान हैं, यानमन मलान जो कि साउथ अफ्रीकन अभी पाकिस्तान के खिलाफ आपको खेलते हुए नजर आए, बहुत अच्छा टैलेंट है, अच्छा प्लेयर है, और ये आपको नजर आएंगे। और उसके बाद हैं वसीम खान हैं, उसके बाद फवाद अहमद हैं, कुलन मनरू हैं, हुसैन तलत हैं, आसिफ अली और रुहेल नज़ीर, अली खान, मूसा खान, जफर गौर, मोहम्मद वसीम जूनियर ये इमर्जिंग कैटेगरी के प्लेयर हैं, और अहमद सैफी अब्दुल्ला ये भी इमर्जिंग कैटेगरी के प्लेयर हैं, फहीम अशरफ, इफ्तिखार अहमद और दिशान जमीर ये सप्लीमेंट्री और जो है वो इमर्जिंग कैटेगरीज के प्लेयर हैं। ये था इस्लामाबाद यूनाइटेड के स्काउट। और अब जो है वो लास्ट जो कि पीएसएल की सबसे बड़ी टीम और सबसे सब टीम को मुतासर करने वाली टीम, लेकिन जो इस सीज़न चल रहा था कोई इतना आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन लास्ट एक मैच जीता जो कि चला आ रहा था कि टॉस जीतो और मैच जीतो, उसको भी इन्होंने ब्रेक लगाई। और ये टीम बात करने जा रहा हूँ क्वेटा ग्लेडिएटर की, इसमें सरफराज हैं वो ऑब्वियसली कैप्टन होंगे, फाफ डु प्लेसी हैं, रसल जो है वो रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में बड़ी पिकिंग थी इनकी, मैन कैटिंग है मोहम्मद हसनैन हैं, उस्मान शिनवारी हैं, नसीम शाह हैं, आजम खान, कैमरन डेलपोर्ट और कैस अहमद, अनवर अली, जाहिद महमूद, साइम अयूब ये अंडर 19 के प्लेयर हैं, ये ओपनिंग करते रहे क्रिस गेल के साथ, लेकिन तो परफॉर्मेंस देखने को आई नहीं, मज़ेदार जो परफॉर्मेंस होती है वो। और उसके बाद आरिश अली खान हैं, अमरजीत कैटेगरीज के प्लेयर हैं, मोहम्मद नवाज, अब्दुल्ला नासिर और उस्मान खान ये सप्लीमेंट्री कैटेगरीज के प्लेयर हैं। ये थे तमाम टीमों के स्काउट। आपने देखा लाहौर के अंदर ने पिकिंग की, क्या पिकिंग, इस्लामाबाद यूनाइटेड, पेशावर जर्मी, मुल्तान सुल्तान और कैटेगरी लीडर्स की,
कंप्लीट टीम, और अब जो है वो फैंस को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि यकम जून का इंतज़ार हो रहा है और PSL का इंतज़ार हो रहा है, हमें भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार है। हम उम्मीद करते हैं कि इस बार जो है वो PCB से जो पहले गलतियाँ हुई वो नहीं होगी, और इस बार जो खुशखबरी की बात है और अच्छी बात है, PCB ने जो बड़ा इकदाम किया है वो एक पूरा होटल जो है वो बुक किया जिसमें 300 रूम्स होंगे, और वो जो होटल का जितना भी स्टाफ होगा वो PSL स्टार्ट होने से पहले जो है वो होटल में आएगा, तो PSL ख़त्म होने से पहले जो है वो स्टाफ का कोई भी जो है वो बंदा घर नहीं जा पाएगा, ड्यूरिंग PSL जो है वो होटल में ही रहेगा जब तक PSL ख़त्म नहीं हो जाता। ये बहुत बड़ा किरदार है, बहुत बड़ी अचीव काम की है PCB ने कि पूरा होटल बुक कर दिए और जिम्मेदारी उठाई है प्लेयर्स की कि आप आएँ, आप खेलें, आपको पूरा जो है वो प्रोटोकॉल दिया जाएगा। ये बहुत अच्छा साइन है, उम्मीद करते हैं कि इस बार जो गलतियाँ कोताहियाँ पिछली बार हुई वो नहीं होंगी और इस बार जो है वो PSL आपको कंप्लीट होता हुआ नज़र आएगा। कौन सी टीम आपको स्ट्रॉन्ग लगी, कौन सी टीम की अच्छी पिकिंग थी रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में, और कौन सी टीम आपको जो है PSL 6 का टाइटल जीतते हुए नज़र आती है, ये भी आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है हमें। और इसी तरह वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि आने वाले जो भी PSL के रिलेटेड, IPL के रिलेटेड या वर्ल्ड क्रिकेट के रिलेटेड जिस तरह की भी जो भी न्यू न्यूज़ होगी वो हम आपको देते रहेंगे। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर प्रेस कर दें, क्योंकि जैसे ही हम कोई न्यूज़ देते हैं तो इस पर आपको जो है वो नोटिफिकेशन आ जाता है, और जिससे हो जाते हैं आपको जो है वो वर्ल्ड क्रिकेट के रिलेटेड जो भी न्यूज़ होती है वो आपको पता चल जाती है। Thank you.